दोस्तों मेरा नाम उमेश है और आज की इस क्लास में मैं आपको स्टैक्स एंड क्यूज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिकली मैं आज आपकी क्लास में इस क्लास में बताऊंगा कि जो स्टैक होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, जो स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट के प्रोसेस पे या लास्ट इन फर्स्ट आउट जो भी आप रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वर्क करता है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में पूछते हैं कि भाई आप ना एक ऐसा पॉप ऑपरेशन बनाओ या ऐसा पुश ऑपरेशन बनाओ जो कि डायनेमिकली हो। अब मैंने आपको बताया कि डायनेमिकली का मतलब क्या होता है कि मैं रन टाइम पे चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी एलोकेट हो, राइट। तो उस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं लिंक्ड लिस्ट का। तो ठीक है ना, अब हम लोग वही लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करके पुश और पॉप ऑपरेशन जो होते हैं उनको लिखेंगे बोर्ड पे और देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। फिर हम उनको ग्राफिकली एक बार सोचने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली आता है तो ग्राफिकली चीज़ों को लिखने के बाद कोड में कैसे इंटरप्रेट करना है। तो ये सब चीज़ें क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टैक, पहले स्टैक का बेसिक चीज़ देख लेते हैं। स्टैक मतलब कोई भी एक डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर जो कि वर्क करता है हमारे लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले आया है वो आखिर में जाएगा, ठीक है ना। सो हमारा रूल क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी एक सपोज करता हूँ ये एक बकेट है, बकेट के अंदर कुछ भी वुड्स पड़े हुए हैं, सपोज कर लीजिए वुड्स के नंबर हो रखे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट पहले वुड क्या होगा, ठीक है ना, तभी सेकंड ऊपर आएगा, थर्ड ऊपर आएगा। पर मुझे फर्स्ट को निकालने के लिए ये और ये एम्प्टी करने पड़ेंगे तब मैं फर्स्ट को निकाल पाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट जो ऑपरेशन होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम लोग को, पर ये तो स्टैटिक है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें डायनेमिक चाहिए, मतलब लिंक लिस्ट के रेफरेंस में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लिंक लिस्ट के रेफरेंस में हम लोग नोट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। नोट्स के समय पर समझते क्या है ये। सभी सपोज कीजिए पहले मैंने एक नोड बनाया, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, नोड वन, ठीक है ना, इनिशियली। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी नोड बनाई मैंने, तो अकॉर्डिंग टू रूल अब ये पहली आई है तो ये लास्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब जो आने वाली नोड है वो इसके ऊपर आना चाहिए, मतलब अगर ये मेरी पहली नोड थी तो जो दूसरी नोड आएगी वो उसके ऊपर आएगी, तभी तो ये नोड निकलने के बाद में जो ये नोड निकलेगी, राइट। तो ये हमारा रूल फॉलो करेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो दूसरी नोड बनाई वो इसके ऊपर लगा दिया कुछ इस तरीके से, समझ आया आपको। कुछ मैंने एक नोड रिकले बना लिया था, अब मैंने दूसरी नोड बनाया, मैंने इस नोड के ऊपर इस नोड को रख दिया, ठीक है ना। तो इस नोड को रिमूव करने के लिए मेरे को पहले ये नोड रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपल आप जो एल्गोरिथम देख रहे हो ना, जो मतलब जो स्नैरियो चल रहा है उस स्नैरियो सिंपल है। आपको एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, बस आपको इंडक्शन हेड पे करना है। क्यों में उसका उल्टा होता है, क्यों में आपको इंडक्शन एंड में करना होता है, ठीक है ना। तो उसका कोड क्या होगा, सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ना एक क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम्स को स्टोर करना है एक नोड के अंदर, ठीक है ना। पर वो रूल फॉलो करना चाहिए हमारा स्टैक का, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको कोड लिखने की, कोड आप कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, स्ट्रक्ट कीवर्ड, मेरी स्ट्रक्चर का नाम है नोड, ठीक है ना। मैं दो वो ले लेता हूँ, क्या लिया मैंने, एक कैर टाइप का एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है, जिसका डेटा जो भी साइज लेगा मैं 20 दे देता हूँ, 20 bytes, ठीक है। एक इनपुट इंटीजर दे दिया, इंटीजर रोल करके कुछ, ठीक है ना। और एक बना के मैंने नोड बनाया, ठीक है ना, नेक्स्ट एक पॉइंटर बनाया नोड टाइप का, मैंने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब मैं पहले बात करूंगा पुश ऑपरेशन की। पुश का मतलब होता है कि इंसर्ट करना, ठीक है ना। अब इंसर्ट करने के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, वाइड पुश, ठीक है ना, जो कि हमारे दो वेरिएबल्स लेगा, दो पैरामीटर्स लेगा। क्या लेगा, सबसे पहले लेगा हमारा रोल नंबर, ठीक है ना, फिर लेगा हमारा नेम, ठीक है ना। तो नेम हमारा कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर होता है क्योंकि वो, ठीक है ना, कैरेक्टर टाइप का होता है। तो मैंने कैर ले लिया, कैर नेम, और यहाँ पे साइज। अब मैं अंदर आऊँगा, सबसे पहला मेरा काम होता है नोड को क्रिएट करना, ठीक है ना। बेसिकली ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम होते हैं जो कि हमने क्यू में किए थे, क्योंकि किस में किए थे,
ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन में फर्क पड़ता है। इंसर्शन वहाँ पर लास्ट में क्या था, यहाँ पे इंसर्शन हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे। तो हम लोग सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। नोड मैं क्रिएट नाम देता हूँ क्रिएट, ठीक है ना। यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। क्लास का स्ट्रक्चर का नाम यूज किया। अब मेरी नोड एक तैयार है, तो मैं नोड के अंदर चीजों को इंसर्ट करूंगा। नोड नोड के अंदर नेम डालूंगा, नेम पे डालूंगा जो मैंने जो मेरा वेरिएबल पास हो रखा है, ठीक है ना। रोल नंबर के अंदर जो भी रोल नंबर पास कर रहा हूँ वो रोल नंबर डालूंगा, ठीक है ना। ये मेरा रोल आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट के अंदर अभी नल डाल दूंगा। इसका मतलब अभी ये इसके अंदर ये किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ट्रैक रखने के लिए एक हेड वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है ना। हेड पॉइंटर बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक हेड पॉइंटर ले लेते हैं जो कि नोड टाइप का होगा, ठीक है ना। ये हेड पॉइंटर लिया जिसका इनिशियल क्या है, इनिशियली एड्रेस नल है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई मेरी नोड पहली है आखिरी है। तो मैं करूंगा इफ हेड इज इक्वल टू नल है, इसका मतलब मैंने चेक किया कि भाई मेरा जो हेड है वो खाली है। खाली है का मतलब मेरी कभी कभी मेरी मतलब मेरी लिस्ट स्टार्ट ही नहीं हुई, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हेड के अंदर अपनी नोड का एड्रेस डाल दूंगा। एड्रेस का मतलब सिंपल उसका नाम है, ठीक है ना। जो भी नाम डाला मैंने नाम डाल दिया सिंपल उसके अंदर, इसको बंद कर दिया और मेरी क्रिएट हो गई। अब ये तो एक केस था, इन केस लिस्ट पहले से ही मतलब बनी हुई है, बहुत सारे नोड्स हैं इसमें, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं कि ऑलरेडी इसमें नोड्स कुछ नोड्स बनी हुई हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, यहाँ पे कुछ नोड्स बनी हुई थी। और मैं कहता हूँ कि जो नई नोड्स आएगी वो यहाँ पे लगने के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, अब देखो इस केस में क्या होगा, हेड ये होगा, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल हेड की पोजिशन चेंज करनी है, राइट। तो मैं इसमें हेड की पोजिशन कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक ये बिल्कुल सिंपल चीज है। मैं एक आप चलो इसको एक और सिंपल तरीके समझते हैं। आप कीजिए, आपने क्या किया अभी तक, जो कि आपने उसको लिखी है, आपने एक नोड नोड बनाई, ठीक है ना, नाम दे दिए उसको नोड वन, ठीक है, बढ़िया। आपने इस स्टेप पे क्या किया, हेड नल था स्टार्टिंग में, आपने हेड को क्रिएट कर दिया। मतलब अब जो हेड है ना वो मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ये हेड है, ठीक है ना। मेरा हेडर इसको पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी नोड बनाऊं। दूसरी नोड बनाई मैंने, चेक किया, हेड नल है भाई, हेड नल नहीं है, ठीक है ना। तो अब मेरी जो दूसरी नोड आएगी वो नोड कहाँ पे आएगी, वो नोड आई इधर, ठीक है ना। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि अब ये लिंक ऐसे जुड़े, क्योंकि ऑब्वियसली तब जब ये लिंक ऐसे जुड़ेगा तभी तो ये हेड होगा और ये पीछे जाएगा, तभी तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल फॉलो करेगा। तो इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो, राइट। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके करने के लिए मुझे सिंपल करना पड़ेगा कि क्रिएट के नेक्स्ट के अंदर हेड डाल दो। अभी तो ये हेड ही है, राइट। अभी ये क्या है, हेड। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने नोड बनाई है क्रिएट, इसके नेक्स्ट के अंदर हेड डाल दो। तो जब मैंने हेड डाला तो हेड यहां पर ही पॉइंट कर रहा है और हेड यहां पर ही पॉइंट कर रहा है, राइट। क्रिएट के नेक्स्ट के अंदर हेड डाल दिया, तो ठीक है ना। क्रिएट के नेक्स्ट के अंदर मैंने हेड डाल दिया, मतलब इसका जो भी एड्रेस था ना वो एड्रेस यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि अब हेड इसके एड्रेस जो नई बनाइए इसके एड्रेस को पॉइंट करे। तो सिंपल है, आप ये लाइन लिखिए, हेड इज इक्वल टू क्रिएट, खत्म। अब क्या हुआ, यहां से ये लिंक टूट जाएगी और हेड ये बन जाएगा हेड। तो सिंपल आप देख सकते हो ये बन गया। ऐसे ही जब आप दूसरी नोट बनाओगे तो ये आएगा हेड एक नल के इक्वल नहीं, तो क्या करेगा, इसके जो भी नई नोट आएगी उसके नेक्स्ट के अंदर हेड डाल देगा, फिर हेड का लिंक तोड़ के उसके लिंक को जोड़ देगा। तो सिंपल इस तरीके से ये हमारा उस ऑपरेशन है।